वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अगेन मिशन वन लिफ्ट. कैसे हो आप सब एंड हाउ इज योर प्रिपरेशन. आज का जो हमारा कैटेगरी ड्राइंग का टॉपिक है दैट इज एनिमल्स ड्राइंग. जो आई नो एनिमल्स ड्राइंग हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बट दिस इज अ सी एनिमल्स और यू कैन से वाटर एनिमल्स. वाटर एनिमल्स को एग्जैक्टली आप यूज करके ना एग्जाम में सपोज कोई पोस्टर आया उसमें आपने कुछ कैरेक्टर आपने वाटर एनिमल्स के दिखाए तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखता है, क्रिएटिविटी से कनेक्ट करता है. जो हम क्लास कंडक्ट करते हैं उसमें मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ थोड़ा क्रिएटिव फील्ड पे, जो कि एक तभी निकल के आएगा जब हम कुछ डिफरेंट सोचेंगे बाकी सबसे. आई होप दिस पॉइंट मेक्स सेंस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन आवर वीडियो. हेलो एवरीवन, सो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक सी हॉर्स. तो मैंने किसी भी सी हॉर्स का सिल्वेट नहीं फॉलो किया है, लाइक देख देख के नहीं बनाया. आई जस्ट अज्यूम कि सी हॉर्स के बॉडी में शेप क्या होता है. अगर आप बिना देखे नहीं बना पाते तो आप रेफरेंस लेके भी बना सकते हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम खुद से ही बनाए, है ना. फर्स्ट टाइम जब हम प्रिपेयर करते हैं ना तो डर लगता है कैसा बनेगा, खुद से नहीं बनेगा. बट कोई बात नहीं, कोई जज करने वाला नहीं है आपको, है ना. आप खुद के लिए बना रहे हो, खुद के लिए, तो बस इतना सोचो और बना दो, ठीक है, बिना कुछ सोचे. और किसी भी रेफरेंस को आप डायरेक्ट कॉपी मत करो. उसके सिल्वेट को जैसे जैसे वो दिख रहा है वैसे वैसे मत बनाओ. आप किसी भी रेफरेंस पिक्चर को देख के पहले सोचो उसमें आपको शेप क्या दिख रहा है. आपको बेसिक शेप्स दिखने चाहिए उसमें, जैसे सर्कुलर या रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरीके के शेप्स. तो उनको उस शेप में डिवाइड करो, देन आप उसे ड्रॉ कर सकते हो. बाद में उसमें जाके डिटेलिंग कर सकते हो. सो हेयर आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम. बेसिक पहले शेप को लिया, देन डिटेल किया बाद में उसे. ओके, सो इसी तरीके से बाकी सब भी मैं बनाऊंगी. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आता है तो मुझे बता दिया करो. एंड या बाकी डिटेल्स के लिए पूरा वीडियो देखना, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा. एंड वन मोर थिंग, एक में मैं कलर भी करूंगी सो दैट कि आपको पता चले कि कलरिंग किस तरीके से करते हैं, डार्क टू लाइट प्रेशर का अप्लाई किस तरीके से करते हैं. सो मेरे साथ आप कलरिंग भी कर सकते. Okay, so enjoy this video. I hope this video will going to help you. So if you want to suggest some more topic or some more category, you can just write it down in chat box. And I will make sure कि जो आप topic suggest करो मैं उसमें कुछ ना कुछ videos बना दूँ. Okay, so make sure आप लिखना अगर किसी भी topic पर मैं आपको doubt होगा तो. Okay, so enjoy this one.
Here's the assignment. I hope you do, and if you solve it, then tag us on Instagram. So that's it for this video, but you don't worry, we are going to upload. Abhi to daily upload kar rahe. So I hope this video will going to help you in long term, and do like, share and subscribe this channel, and share with those who need it or who are going to prepare for 2023 or 2024. लाइक जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने वाला 2024 में, उसके लिए कोई प्रिपेयर करे तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो ऑफकोर्स इस वीडियो को, एंड उनकी भी हेल्प कर सकते हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ हैप्पी प्रिपरेशन. ऑल द बेस्ट. टाटा.